मुझे प्रातःकाल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु, तू प्रातःकाल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 23 सितंबर 2018, पहला पाठ, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और 17 से 20 तक। हम धर्मात्मा के लिए फंदे लगाएं, क्योंकि वे हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वे हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। हम ये देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम ये पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वे धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसके विरोधियों की हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जाने और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, संत यकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 से 18, अध्याय 4 पद संख्या 1 से 3। जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहां अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है, किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यतः पवित्र है और वे शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण ये नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते हैं, इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37 तक। वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे
कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वे तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य ये बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और बारों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वे सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वे मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वे मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।